बुधवा शहीद के समीप एसआर पेट्रोल पंप पर शहीद वाला ग्रेंट निवासी पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए गया था, जिसमें ग्रामीण द्वारा अपने घर पहुंचकर ट्रैक्टर में डालते हुए डीजल का रंग बदला हुआ देखकर हैरान रह गया। तभी डीजल को लेकर वापस पेट्रोल पंप पर आया और पेट्रोल पंप कर्मी को बताया कि अभी 10 मिनट पहले आपके पंप से इस डीजल को लेकर गया था, जिसमें केमिकल की मिलावट है। सूचना पाकर क्षेत्र के अन्य ग्रामीण भी पेट्रोल पंप पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर थाना बुग्गावाला इंचार्ज भी मै टीम के पेट्रोल पंप पर आ गए। ग्रामीणों के बताने के अनुसार उक्त पेट्रोल पंप की मशीन से लगभग डीजल के 50 लीटर के दो कैन और एक छोटा कैन भरा, जिसमें डीजल का रंग बदला हुआ देखकर अन्य ग्रामीणों में पेट्रोल पंप स्वामी एवं कर्मचारियों के प्रति गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय पुलिस के द्वारा ग्रामीणों को काफी मकसद के बाद शांत किया और सप्लाई इंस्पेक्टर से संपर्क कर डीजल का सैंपल भरने का आश्वासन दिया और लगभग 105 लीटर डीजल को स्थानीय पुलिस के द्वारा सील करके गाड़ी में रखवा दिया गया और थाने ले गए। शाम को लगभग 4 बजे सप्लाई इंस्पेक्टर पंप पर पहुंचकर पंप कर्मचारियों से पूछताछ की और ग्रामीण से डीजल की कैश मेमो की स्लिप मांगी, तो ग्रामीण ने बताया कि पंप कर्मचारी किसी को भी कैश मेमो की स्लिप नहीं देते। और कुछ समय बाद एक ट्रैक्टर चालक ने अपने ट्रैक्टर में लगभग 1560 रुपए का डीजल डलवाया तो मशीन से कैश मेमो की स्लिप नहीं निकली। बताया कि यह इतना डीजल क्यों निकाला गया। पंप कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों के कहने पर निकाला गया। इंस्पेक्टर गुस्से में बोले कि अगर ग्रामीण पेट्रोल पंप को आग लगाने को कहेंगे, क्या आप पेट्रोल पंप में आग लगा देंगे। कुछ देर बाद एक मशीन से डीजल के 3 कांच की बोतल सैंपल भरे गए। थाना इंचार्ज नंद किशोर गवाड़ी ने कहा कि जो कैन में डीजल है उसका सैंपल क्यों नहीं लिया। इंस्पेक्टर के द्वारा बताया गया कि हम इस डीजल का कैसे सत्यापन करें कि न तो उक्त पंप पर सीसीटीवी कैमरे भी चालू नहीं है और सैंपल को पेट्रोलियम लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। मनोज काम्बोज, संदीप चौहान के साथ आकाश सैनी की रिपोर्ट।